दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय नगर परिषद पांवटा साहिब। पांवटा साहिब के यमुना बाल पार्क के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। रोटरी क्लब ने इसे गोद लेकर इसे संवारने की अनूठी मुहिम शुरू की है। पहले क्लब यमुना पथ को गोद लेकर उसे भी सुंदर और हरा भरा कर चुका है और अब यमुना बाल पार्क के भी दिन फिरने वाले हैं। क्लब के प्रधान अरविंद्र सिंह मारवा ने बताया है कि रोटरी ने यमुना बाल पार्क को गोद ले लिया है। अब पार्क के सौंदर्यकरण की सारी जिम्मेदारी क्लब की है। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब को हरा भरा करने की मुहिम के तहत यमुना बाल पार्क में पौधे रोपे जाएंगे। प्रधान अरविंद्र सिंह मारवा ने बताया है कि रोटरी ने पार्क को संवारने का काम अध्यक्ष पूर्व प्रधान नरेंद्र पाल सिंह नारंग और सह अध्यक्ष मनमीत सिंह की देखरेख में शुरू किया है। इस मौके पर क्लब के पदाधिकारियों ने पर्यावरण बचाओ जागरूकता रैली भी निकाली। इसके बाद पूर्व प्रधान नरेंद्र पाल सिंह नारंग के सौजन्य से विजय लक्ष्मी एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 पांवटा साहिब को ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज मशीन भी सौंपी गई। नगर परिषद पांवटा साहिब की प्रबुद्ध जनता से अपील करती है कि कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर सरकार व प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। नगर परिषद पांवटा साहिब द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है व शहर को 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से मास्क, सैनिटाइजर व प्रवासी मजदूरों को राशन भी आवंटित किया गया है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारियों को इस महामारी के दौरान बेहतरीन कार्य करने को 2 बार 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके साथ साथ नगर परिषद द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर सोशल मीडिया, समाचार पत्रों व होर्डिंग्स लगाकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को प्रचारित व प्रसारित किया गया है। नगर परिषद पांवटा साहिब की ओर से कोविड-19 के लिए पुरजोर कार्य किया गया है, जिसमें हमने पूरे शहर को 3 से 4 बार सैनिटाइज किया गया है। इसमें हमने फायर वालों का भी सेवाएं दी हैं और साथ साथ हमारे जो कर्मचारी हैं वो दिन रात इस पे लगे रहे और अभी भी लगे हुए हैं, मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और हमने जो है हमने कर्मचारियों को प्रोत्साहन के तौर पर 1500 रुपया 2 महीने का 1500 रुपया एक प्रोत्साहन राशि भी हमने उन्हें उपलब्ध कराए ताकि उनका साहस बना रहे। और इसके साथ साथ हाँ, मैं आपके माध्यम से नागरिकों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं उसका अनुपालन सरा अक्षरश करें ताकि हम इस महामारी से बचे रह सकें और किसी भी तरह का उल्लंघन करने की हिम्मत ना करें, क्योंकि ये बीमारी अदृश्य दुश्मन है जो कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी अटैक कर सकता है। सावधानी बरतें और स्वच्छ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। नगर परिषद पांवटा साहिब द्वारा जनहित में जारी